तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर सेकंड की जो आपका सब्जेक्ट है वो है सामान्य अभियांत्रिकी जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग में जो पहला क्वेश्चन है वो आता है प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। तो प्रतिरोधों का संयोजन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, समझ लीजिए। एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। कैसे होता है? एक होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं और समांतर को पैरेलल बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो ही क्रम में संयोजन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। और दोनों ही क्रम में हम संयोजन यहाँ पे देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में होता है रजिस्टर्स का एक रजिस्टर का सिरा, जैसे ये R1 इसका एक सिरा दूसरे रजिस्टर के सिरे से जुड़ा रहता है, ये R2 है फिर इसका एक सिरा दूसरे रजिस्टर के तीसरे सिरे से जुड़ा रहता है, ये R3, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स यूं लगा रहता है, चित्र आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये लगा रहता है वोल्टेज सोर्स। तो श्रेणी क्रम का संयोजन का ये है जिसमें R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब माना कि इसमें एक करंट I बह रहा है, अब I बह रहा है करंट तो क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर इसके सिरे पे प्रतिरोध R1 है तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V1। इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V2। और इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? V3। तो V1 इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा? I इंटू R1, ये कैपिटल I मान लो। V2 इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा? I इंटू R2। और V3 इक्वल टू लिखें तो I इंटू R3। तो तीनों के रजिस्टेंस को जोड़ें तो क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या आएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लो तो क्या आएगा? I यहाँ से I कॉमन लेते ही IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे देखो कुल विभवांतर कितना आएगा? टोटल विभवांतर हमने लगाया था V, तो कुल विभवांतर कितना है? कुल विभवांतर कैपिटल V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 व 2 से V1, V2 और V3, V1, V2 और V3, ये देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है। तो V1, V2, V3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो कैपिटल V है ये समतुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध से देखें, समतुल्य प्रतिरोध से तो इसका एक रेजिस्टेंस कैपिटल R मान लें, पूरा रेजिस्टेंस इन तीनों का जो संयोजन से जो वैल्यू मिलेगी, इन तीनों के संयोजन से जो वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस को, उसको कैपिटल R मान लें, तो V इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी? I इंटू R। तो ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो। तो तीसरी और चौथी इक्वेशन थे क्या हो जाएगा? IR बराबर I1 प्लस I2 IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R बराबर क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हो गई बात श्रेणी क्रम की। अब आते हैं हम समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों का ऐड करने पर प्रतिरोधों का योग करने पे जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वही उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। ये तो हो गई श्रेणी क्रम की बात। अब दूसरा संयोजन में क्या आता है? दूसरे संयोजन में आता है फ्रेंड्स समांतर क्रम में। दूसरे में क्या आता है? समांतर क्रम आता है। तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में फिगर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। समांतर क्रम में क्या होता है? रेजिस्टेंसों को
अब देखो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रेणी क्रम में स्टार लगा के नोट करेंगे, ये पॉइंट बुक वगैरह में नहीं दिया। आई का मान, करंट का मान, आई का मान समान रहता है सारे रेजिस्टेंस में। क्या रहता है? आई का मान समान रहता है, आई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आप देख लो सारे रेजिस्टेंस में आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू समान है। किसमें? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम समझो, समांतर क्रम में क्या है, ये एक रेजिस्टेंस आर वन है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस आर टू है, ठीक। यानी इसका एक सिरे से जितने पहले सिरे से सारे रेजिस्टेंस का पहला सिरा जुड़ा है यहाँ पे, और सारे रेजिस्टेंस का जो अंतिम सिरा है वो यहाँ से जुड़ा है, और फिर एक एक वोल्टेज सोर्स इसमें लगा है, वोल्टेज सोर्स। ये हो गया फ्रेंड्स क्या, ये हो गया समांतर क्रम। अब यहाँ से एक करंट आई जाएगी, तो आई वन इसमें जाएगी, आई टू इसमें जाएगी, और आई थ्री इसमें जाएगी। करंट बट रही है ना, इसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज करंट समान था, करंट नहीं बट रहा था, इसमें बट रहा था वोल्टेज वी वन वी टू और वी थ्री आ रहा था। इसमें क्या आएगा, आई वन आई टू और आई थ्री करंट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आई वन बराबर क्या है, आई बराबर ओम्स लॉ से वी वन अपॉन आर वन, ऐसे ही आई टू क्या है, वी अपॉन आर टू, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही क्या है, सॉरी, ऐसे ही है आई थ्री, आई थ्री बराबर वी अपॉन आर थ्री। तो तीनों करंट को जोड़ो तो आई वन आई टू और आई थ्री का संयोजन से क्या मिला, कैपिटल आई, जो करंट मानी थी। यही तो होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ नहीं पढ़ा हो तो क्या होता है, एक ही बिंदु पर आने वाले सारे करंट्स का योग शून्य होता है। आई की वैल्यू रखो, आई आई वन की वैल्यू रखी वी अपॉन आर वन, आई टू की वैल्यू रखी वी अपॉन आर टू, आई थ्री की वैल्यू रखी वी अपॉन आर थ्री। कैपिटल आई बराबर क्या होगा, कैप वी बराबर होता है आई आर, वी बराबर आई आर। ये रेजिस्टेंसों का तुल्य प्रतिरोध माना, आर तुल्य प्रतिरोध है, आर तुल्य है, तो ये आएगा वी अपॉन आर, तो ये आया वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। वी से यहाँ पे वी कॉमन लोगे तो आएगा वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। तो ये पहला प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ये पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझाया गया आप लोग को, इम्पॉर्टेंट था ये पहला प्रश्न और ये अच्छा प्रश्न था। फिर चलिए इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या आपसे हो पाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है, स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा होगा आप व्यू, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है एक वैद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक प्रतिरोध 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र बना लेते हैं। ये देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये 4 ओम का प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, विद्युत लैंप ये लगा हुआ है चित्र में, इस तरीके से एक लैंप बना हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पे एक कुंजी बनी हुई है के, और यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है ए, प्लस माइनस ऐसे साइन गिवन है, ठीक, ये करंट आई का साइन गिवन है, ऐसे एरो बना है, ऐसे एरो बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका चित्र गिवन। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रतिरोध कितना गिवन है विद्युत लैंप का, विद्युत न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा, विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना गिवन है, इसको मान लो R1, तो ये गिवन है 20 ओम, और श्रेणी क्रम में संचालित प्रतिरोध ये 4 ओम पहले से गिवन है, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध इसको मान लो R2, तो ये हो गया R2, ये कितना गिवन है 4 ओम, तो ये 20 ओम ये 4 ओम, और क्या हो गया। तो पहला प्रश्न है परपथ का कुल प्रतिरोध, तो पहले का आंसर है
परिपथ का कुल प्रतिरोध, पहले का आंसर है कुल प्रतिरोध। तो ये बताओ फ्रेंड्स टोटल प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, R बराबर पढ़ा था R1 प्लस R2 योगों के संयोजन से होता है, तो 20 ओम प्लस 4 ओम बराबर 24 ओम आया आंसर। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया 24 ओम, उसी तरीके से 24 ओम। दूसरा प्रश्न है परिपथ में कुल प्रभावित वैद्युत धारा, तो दूसरा है परिपथ में प्रभावित वैद्युत धारा के वैल्यू क्या होता है, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। आर क्या होता है, आर तुल्य प्रतिरोध होता है। तो तुल्य क्या निकाला अभी 24 ओम निकाला पहले क्वेश्चन से, तो वोल्टेज का वैल्यू कितना है, वोल्टेज का वैल्यू 6 वोल्ट गिवन था, 6 वोल्ट की बैटरी थी ये, तो 6 अपॉन आर तुल्य का वैल्यू है 24, तो आई बराबर आया 6 एकम 6 6 चौके 24, यानी 1.1/4 एम्पियर का करंट प्रभावित हो रहा है परपथ में। तो मेरिकल क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। तीसरा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकल्पित कीजिए। अब ये बताओ विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक, तो विद्युत लैंप का जो विद्युत लैंप थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें करंट का वैल्यू आ गया था, वोल्टेज का वैल्यू आ गया, अब थर्ड क्वेश्चन है विद्युत परपथ में प्रभावित, हाँ विद्युत लैंप में विभवांतर, तो थर्ड क्वेश्चन है विद्युत लैंप में विभवांतर, विद्युत लैंप में विभवांतर के लिए क्या होगा फॉर्मूला वी, और विद्युत लैंप का प्रतिरोध क्या माना था R1, तो I इंटू R1 ये होता है, इसको V1 मान लो विद्युत लैंप का विभवांतर, जब इसको R1 माना था तो इसको V1 मान लिया, ये आ गया V1 बराबर I कितना आया 1/4, R1 का वैल्यू कितना था विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 ओम, तो ये आया 5 वोल्ट आया, यानी विद्युत लैंप का विभवांतर कितना आया 5 वोल्ट, ये आ गया आंसर। देखो आंसर देखो आ रहा है 5 वोल्ट आंसर। फिर हमें बताना है विद्युत वोल्ट के प्रतिरोध के बाद चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ये आया विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा I into R2, और R2 का वैल्यू क्या है 4 ओम, I का वैल्यू 1/4 और R2 का वैल्यू 4, तो V2 बराबर 1 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया संयोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और उसका एक एग्जांपल। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।